गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। अब आप सबको जो लोग YouTube पे हैं आप सबको जय श्री गुरुदेव और जो Google Meet पे हैं आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। 7 बजे का समय से पहले हम लोग कभी ध्यान खोलते हैं, 15 मिनट का ध्यान लगाते हैं। तो पहले हम लोग समय रखते थे आधा घंटे का, पहले ध्यान लगाते थे 15 मिनट का, कुछ लोग देरी से ज्वाइन करते थे उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन अभी स्ट्रिक्ट कर दिया है, 6:30 से लेकर 6:45 तक 1-2 मिनट इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि बैठने में उठने में समय लग जाता है। तो 15 मिनट का ध्यान स्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको कि 15 मिनट के अंदर ही ध्यान करना है। फिर भी क्योंकि 1 साल हमने लगातार जो है उस समय में ध्यान किया। जय श्री गुरुदेव। भगत भाई, भगत भाई कुछ बोल रहे हैं। सारे गुरु भाई को मेरे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मुझे आज ध्यान में बहुत ऊंचा होती है गुरुदेव, इसीलिए 15 मिनट कहा है कि ये मंत्र सिद्ध मंत्र है ना। हाँ जी। तो 15 मिनट से ज्यादा ध्यान करना भी नहीं चाहिए, गुरुदेव ने कई बार मना किया है इसके बारे में। तो 15 मिनट का ध्यान का ही शासन रखना है, उससे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। गुरुदेव ने जितना कहा उनके आगे का पालन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। 15 मिनट स्पीच रखो, गुरुदेव की आराध्य रखो, 15 मिनट की स्पीच रखो और 15 मिनट का ध्यान रखो। आवाज शुरुआत में आवाज 15 मिनट की स्पीच चलाओ, फिर ध्यान कर लो और फिर किसी के उसके बाद सारा काम शुरू करो, जिसके उसके बाद शासन शुरू करो। आधा घंटे का प्रोग्राम यही होना चाहिए, 15 मिनट गुरुदेव की आवाज चलनी चाहिए ताकि एक एनर्जी आए, एक पावर आए और उसके बाद ध्यान हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और उसके बाद जो भी आदमी बोलेगा तो वो खुद नहीं बोलेगा, गुरु खुद बोलेगा उसके अंदर से। वही कर दिया 15 मिनट चलो सेशन फिर ध्यान। अच्छा 15 मिनट से 16 मिनट भी ध्यान नहीं करना है, 16 मिनट भी नहीं करना, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करना। ठीक है ओके ओके। जय गुरु। मैं आज समर्पण के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, समर्पण के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, शासन चलाओ, कोई दिक्कत। चलो ठीक है। तो भगत भाई जो है समर्पण के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले हम लोग सेशन में अगर किसी का कोई क्वेरी है किसी भी प्रकार का, कुछ भी बात किसी दूसरे साधक को करनी है, अपनी अनुभूति रखनी है, अपना अनुभव रखना है, बदलाव सिद्ध योग से जो आ रहा है वो रखना है, या फिर साधना में कोई आपका प्रश्न होगा वो आपको रखना है, तो आप पहले आपके पास समय है 15-20 मिनट का, आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। गोविंद जी आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, उनका माइक ऐसे ही खुल गया शायद। और YouTube पे मैं आ जाता हूँ, YouTube पे कोई गुरु भाई है गुरु बहन है जो बात करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप YouTube पे क्वेश्चन लिख भी सकते हो आपको। सवाल किसी का कोई सवाल हो तो ले लो पहले, रात्रि का सवाल हो तो ले लो पहले। हाँ जी, वही पूछ रहा हूँ, किसी का कोई सवाल हो तो जरूर बताओ। आप कोई पूछना हो साधना से विषय में आपका कोई क्वेश्चन हो या आपने नया साधक कोई जुड़ा हो उसका कोई प्रश्न हो सकता है वो आप पूछ सकते हो। यूट्यूब पे कोई है किसी का? सब जय श्री गुरुदेव बोल रहे हैं यूट्यूब पे, आप सबको जय श्री गुरुदेव। जय श्री देव गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी उत्तम सर, आज उस बच्चे को लाए हैं सेशन में। किस बच्चे को? वो छोटे बच्चे को? हाँ छोटे बच्चे को। अच्छा कहाँ है ये? मतलब कि दूसरा लिंक से ज्वाइन है वो। क्या नाम से ज्वाइन है ये? उत्तम से ही है उसका भी, मतलब मेरा ही ईमेल आईडी है। अच्छा उनको बोलो बात करने के लिए, उनकी माता जी भी आई है। हाँ उनकी माता जी भी आई है। दीदी बात करो।
उनको बोलो माइक ओपन करे, वीडियो ओपन करे, तब फिर बात कर सकते। दी माइक ओपन करो और बात करो। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलो, छोटे साधक का स्वागत है हमारे सेशन में, गुरुदेव के सेशन में छोटे से साधक का स्वागत है। अरे भाई अच्छा, ये बच्चा आपकी दीदी कुछ बात करना चाहती है। गुरु बहन आप कुछ बात करना चाहते हो गुरु सियाग सिद्धयोग के बारे में, कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हो आप? दीदी बात करो। हाँ। अच्छा कोई पास में है तो उसे दे दो बच्चा भी। आज इसका तबियत खराब है, इसलिए रो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। गुरुदेव का वो शिष्य है, उनकी कृपा से ही है सब कुछ। हाँ, उनकी कृपा से हुआ है। हाँ, तो आप कुछ बताइए अनुभव के बारे में। हाँ, ये उन्हीं की कृपा से हुआ। उसके पहले ना मेरा घर शहर नहीं रहा था। अच्छा 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 इसके पहले मेरा घर हाँ जी, आवाज कट गई थी बीच में। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत था पहले, डॉक्टर्स ने क्या दिक्कत बताया था? मेरा इससे पहले गर्भ ठहर नहीं रहा था। अच्छा, फिर दस दिन होते होते गिर जाता था, दो बार गिर चुका था। अच्छा ओके, पता भी नहीं चलता था। अच्छा कि बच्चा गिर चुका था। हाँ। तो फिर हम दिखाए हाँ। वहाँ से कुछ जिंदा वाइफ आए हाँ। पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तो यहाँ आया, उसके बाद उत्तम बताया कि मतलब गुरुदेव के बारे में हाँ। कि बताया कि हम करने लगे उनका ध्यान। अच्छा हाँ, तभी ये रहा और बिल्कुल सही रहे। अच्छा क्या नाम है बच्चे का? सत्यम। क्या नाम है? सत्यम। राजसी बच्चे का नाम है। क्या नाम है? राजसी नाम है उसका। सही रखा है आपके नाम, राजशिव। अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो हम सब चाहते हैं कि गुरुदेव का प्रचार प्रसार करे बड़ा होके, और अरे राजीव आपके नाम से बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया लोगों ने, ये गुरुदेव की महिमा है। गुरुदेव की महिमा है। चलो कोई आप मुझे पहचानते इस रूप में कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, मेरे लिए तो बड़ी बहुत बड़ी, आज मेरे लिए तो मेडल की बात है। एक्चुअली ये मेरे लिए तो वो मेडल है जो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल होते हैं, ये गुरुदेव का दिया हुआ एक मेडल है मेरे लिए, बड़े सम्मान की बात है। मैं तो आभारी हूँ आपका। मैं आभारी हूँ, मैं सच्ची आभारी हूँ गुरु बहन, आपने मुझे इस लायक समझा। ऐसे ही आदर्श बनना है, पूरी दुनिया ऐसे आदर्श बनेगी, ऐसे ही आदर्श बनना है अपने गुरु के। अब गुरु बहन आपके दो बेटे हो गए एक्चुअली, अब मैं भी आपका बेटा बन गया हूँ। अब आपने वो नाम रख दिया तो मैं आपका बेटा बन गया। मैं बेटा नहीं, आप भाई है, भाई है। उन्होंने नाम रख दिया तो दो, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मान की बात है, और गुरुदेव हमेशा उनका मार्गदर्शन। आज रात्रि को नींद नहीं आएगी, आज रात्रि को नींद नहीं आएगी। नहीं ये गुरु भाई ये मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान है, ये तो मेरे लिए मैं क्या बताऊं, मैं आभारी हूँ इनका कि मुझे इतना सम्मान दिया इन्होंने गुरुदेव का शिष्य होने के, ऐसा मुझे मिलेगा ये तो बहुत बड़ी चीज है। इसको तो मैं इस काबिल भी नहीं कि कोई मेरे नाम पे अपना रखे, तो गुरुदेव की भक्ति है बस और कुछ नहीं। गुरु भाई ये मतलब कि पता नहीं मेरे मन में अपने अंदर आए, अब मतलब गुरुदेव पता नहीं दिए कि इसका इस बच्चे का नाम राशिव रखेंगे, क्योंकि गुरुदेव का भक्त राशिव है ना, इसीलिए इस बच्चे का नाम भी राशिव रखेंगे, तो हमने इस बच्चे का नाम राशिव रख दिया। बहुत बढ़िया, चलो बहुत, ये मेरे भी प्रिय नाम है, मेरे पिताजी की भक्ति। हाँ जी ये तो बहुत चंचलना, तो आज तक झूठा तो पता ना ही पलता। हाँ। चलो आपकी खुशी भी देख रहे हम लोग, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सेशन में आए, इसी तरह आप प्रचार प्रसार भी करें गुरुदेव का। ओके
टी शर्ट भी पहनी हुई है आपने? और इसकी आंख में भी प्रॉब्लम था, मतलब कि दर्द नहीं देता यार। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, नहीं तो दर्द से समाप्त हो गया। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है, दर्द नहीं देता है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु। हाँ, जय श्री। इनसे 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 सबको सीखना चाहिए, इनको इनसे ये सिस्टर से सबको सीखना चाहिए कि गुरु की कितनी कृपा है, गुरु को काम करने वाले लोगों के ऊपर गुरु की कितना कृपा होती है, गुरु के परम भक्तों की कितना आदर होता है, गुरु के काम करने निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों से दुनिया कितना प्यार करती है। ये सब सीखना सीखने की बात है, ये समझने की बात है, ये बड़ी गहराई की बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे मैं भी मेरा जीवन गदगद हो गया है। हाँ जी, मैं काम करते रहो, मैं तो काम करते रहो, मुझे इतना सम्मान दिया इन्होंने, मैं तो गुरुदेव का आभारी हूँ। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत बढ़िया, आप प्रचार प्रसार में भी लगे रहे, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे, और छोटे राजशिव से मिलकर ही बड़ी खुशी हुई। जब से आप लोग से मिले धन्य हो गए हैं। हाँ, आप आइए, आप हमारे साथ, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप जरूर। हाँ जी, ये है ना तुम्हारा पहला गिफ्ट है, गुरुदेव का पहला गिफ्ट तुम्हारा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरुदेव एक जोड़ीदार और मिल गया। अभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी। हाँ जी, कभी भी किसी भी हालत में। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो तुमने कदम रखा है राशि। हाँ जी, हाँ जी, कदम रखा है, अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ जी, ये संसार की सबसे महान क्रांति है, सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति है। हाँ जी, इस संसार को बदलने वाली क्रांति है, इस संसार को धर्म का मार्ग दिखाने वाली क्रांति है। हाँ जी, हाँ जी, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग गुरु कृपा से, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री। ये हमारा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। वाकई 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 गुरु बहन ने आज बहुत सम्मानित कर दिया मुझे तो आज। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आपका आपका नाम क्या है गुरु बहन? आपका नाम क्या? सिस्टर, एक मिनट, सिस्टर, आपकी वजह से हमें इतना प्रोत्साहन मिला, इतनी हिम्मत मिली है कि हमें काम करने में आनंद आ रहा है। बस आपके इतने अच्छे भाव, इतना प्रेम और इतना गुरु के प्रति समर्पण और गुरु भक्तों के प्रति समर्पण को देखकर हम सब के अंदर एक नई चेतना जागृत हो गई। आज नई चेतना, नई चेतना, खुशी का माहौल है। वो बच्चा आपका ही नहीं, हम सबका बच्चा है। हाँ। उस पर हम सबका आशीर्वाद है। वो बहुत ही आगे जाएगा, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है मेरा, बहुत आगे हम जाएगा, सबका आशीर्वाद है। हम और आपके जीवन में, आपके जीवन में खुशियां लाएगा ये, और परम भक्त बनेगा ये, परम भक्त बनेगा। इसको बचपन से धर्म का ज्ञान देना बेटा, धर्म का ज्ञान देना। बोल रहा था कि लड़का होगा कृष्ण भगवान। इसको बचपन से ही धर्म का ज्ञान देना बेटा, धर्म का ज्ञान देना। ये आने वाली पीढ़ी है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई भगत सिंह जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तभी हम करते कि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण जन्म लेंगे गुरुदेव के कृपा से। हम बचपन से, ये जब घर में था तभी से। अरे बच्चों में भगवान भगवान होता है, ये तो भगवान का रूप है मेरा बच्चा का, बच्चा तो भगवान का रूप है। इसको अच्छा अच्छी परवरिश करो, इसको अच्छे संस्कार दो, इसको धर्म के मार्ग में लाओ। मेरा ये आने वाले समय का आदत बन जाए। जैसा आज रात भी आदत बन रहा है, वैसा भी ये बच्चा भी आदत बन जाए। ईश्वर से प्रार्थना करो बस जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये गुरु बहन है हमारी, इन्होंने अपने बेटे का नाम, शिशु का नाम मेरे नाम से रखा। मैं बड़ा सम्मानित हुआ हूँ, और गुरुदेव का प्रसाद ही है मेरे लिए ये तो, और बहुत सम्मान की बात है। और मेरी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि और भी अच्छे से मैं गुरुदेव का काम कर पाऊँ, और भी निस्वार्थ भाव से मैं गुरुदेव का काम कर पाऊँ, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहन मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। अब ये जो जीवन है, अभी मुझे लगता है कि इसकी और जिम्मेदारी बढ़ गई है गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के मिशन के प्रति, और गुरुदेव का प्रचार प्रसार के प्रति। और ज़्यादा चेतन होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और सब गुरु भाई बहनों के मन में
ऐसा अगर प्रेम हो जाए कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं और हम किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए आदर्श बन सकते हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद समझेंगे इसको और अपने आप को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करेंगे कि गुरुदेव के इस पथ पे हम और ज़्यादा अच्छे से चल सकें और अच्छा एक आदर्श पेश कर सकें। अच्छा जी, उसके ऊपर है, फ्रिज के ऊपर है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन, कोई इस तरह का कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हो सिद्ध योग से जुड़ने के बाद, आप में कोई परिवर्तन हो कुछ भी, या आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, बता सकते हैं, यूट्यूब पे आप लिख सकते हो प्रश्न, और गूगल मीट आप ज्वाइन करो, और आपको बात भी करनी चाहिए मंच पे आके, क्योंकि ज़्यादातर बात जो है हम लोग करते हैं, जो लोग यूट्यूब पे डेली ज्वाइन करते हो आपको ज़रूर आना चाहिए मंच पे, आप ज्वाइन करो, गूगल मीट ज्वाइन करो और अपना वॉइस आप बताओ सबको, जब आप यहाँ पर बात करोगे तब तो हम लोग बाहर जाके बात करेंगे, तो ये मंच आप सबका है, आप सबको आना चाहिए, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एटलीस्ट, सिर्फ यूट्यूब पे चुपचाप देखते रहते हो आप, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन तो आप आओ कि आप गूगल मीट पे आओ, ज्वाइन करो, अपनी आवाज़ सुनाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ, एटलीस्ट अपना सपोर्ट दिखाओ कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ हो, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सबको आना चाहिए, एक्चुअली हौसला अफजाई हो जाती है इस बात को लेके कि जो काम हम कर रहे हैं गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए, ध्यान कर रहे हैं हम, जो प्रचार कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं या फिर जो भी गुरुदेव की कृपा से हमारा मार्गदर्शन होता है, इसको प्रोत्साहन की भी ज़रूरत है, तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर बैठ के सिर्फ सुनोगे, कुछ भी आप बताओ, ऐसे मैं एक बात करना चाहता था, एक गुरु बहन है हमारी, वो मेरे ख्याल से अमेरिका में रहती हैं, यूएस में रहती हैं, उन्होंने एक बार मुझे मैसेज भेजा था, मैं जब हम काजलवास जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने एक मैसेज भेजा था, मैं उनका मैसेज जो है वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आपके पास, मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही मंच पे ही, गुरुदेव के मंच पे ही आपको रिप्लाई दूंगा, तो वो गुरु बहन है, वो थोड़ी सी जीवन में परेशानियाँ जो सबके चलती हैं, उनके भी परेशानियाँ चल रही हैं, कुछ फैमिली को लेकर काफ़ी समय से उनको परेशानियाँ चल रही हैं, अपने बच्चे के लिए, उनका बेटा जो है वो नॉन वर्बल है, वो बात नहीं कर सकता है, और थोड़ा सा उसकी मोटर स्किल्स जो हैं वो थोड़ी वीक हैं, 19 साल के आसपास है अभी उसकी उम्र, छोटे लड़के की उम्र है, और परिवार के तौर पे भी थोड़ी सी उनकी दिक्कत है, तो हमेशा वो गुरुदेव का ध्यान करती हैं, गुरुदेव का नाम लेती हैं, और कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हैं, तो मुझसे बड़ी हैं तो मुझे छोटा भाई मानती हैं, तो मुझे मैसेज करती हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे मैसेज भेजा जाने से पहले कि आप सब मेरा परिवार हो, हम जब काजलवास जा रहे थे, आप सब मेरा परिवार हो, और उन्होंने एक एक जन का नाम भी लिया, जो आप लोग आते हो बात करते हो, नरहरी भाई है, नरेश भाई है, सूरज भाई है, जितने लोग भी आप आते हो बात करते हो, वो सारी सेशन सुनते हैं बाद में, लाइव नहीं जुड़ पाते क्योंकि समय का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाद में कई साधक हैं जो प्रोग्राम देखते हैं और फिर मिस नहीं करते उस चीज़ को कभी भी, वो एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं जिंदगी में, वो कहते हैं कि कितनी समस्याएं चलती हैं, लेकिन जब ये प्रोग्राम आप बोलते हो, आप बात करते हो, गुरुदेव की बात करते हो, ये एक तरह से उनके लिए एक एनर्जी की तरह, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है, तो उन्होंने कहा मेरे सारे भाई हैं, मेरी सारी बहनें हैं, मेरा मैं आप जा रहे हो काजलवास, हमारी तरफ से प्रार्थना करना, तो मैंने काजलवास जाके सबके लिए प्रार्थना की, जो भी जितने भी गुरु भाई बहनें जुड़ती हैं, यही कि नाथों हम आपके पथ पे चल रहे हैं, आप सब हमारा मार्ग प्रदर्शन करो, जिसके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, आप उसको सहारा देके आप उसका मार्गदर्शन करो, तो आप सब जितने भी लोग गूगल मीट पे आते हैं, कुछ तो नहीं आ पाते किसी कारण से, लेकिन आपको बहुत लोग देखते हैं और आपको अपना परिवार मानते हैं और आपके बोलने का इंतज़ार करते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलो कि उनको उनके जीवन में कोई घटना घटती है तो उससे रिलेटेड कई बार कोई बात करता है तो उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बड़ा हौसला मिलता है, इतने कष्ट होने के बाद भी उनका ऑडियो था 20-22 मिनट लंबा और वो उस समय रो भी रही थी, भावुक भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और अपने भाइयों को भी याद कर रही थी कि आप सारा मेरा परिवार हो, तो ये सिर्फ एक मैं बोलने वाला नहीं हूँ काफ़ी देर से, अभी गुरु भाई भगत सिंह बोलते हैं, नररी बोलते हैं, नरेश भाई आके बात करते हैं, बालचंद्रा बात करते हैं, प्रदीप भाई, ये सारे आके बात करते हैं, तो हम सबको बात करनी है, क्योंकि आपकी बात सुनने के लिए कोई बैठा रहता है, सोचता है कि आज मुझे कुछ ऐसा मिलेगा सुनने में गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव की महिमा के बारे में, गुरुदेव के बदलाव के बारे में, वो गुरुदेव के बारे में जानना चाहते हैं, गुरुदेव के बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं, आप जब अब जैसे गुरु बहन ने बताया कि मेरे
गर्भ ठहरता नहीं था, फिर गुरुदेव का ध्यान किया तो गर्भ ठहरा। ये बातें सुनने से उनको प्रोत्साहन मिलता है जीवन में, क्योंकि बहुत कठिनाइयां हैं हर किसी के जीवन में, और जब गुरुदेव का ऐसा ऐसा दिखता है, बदलाव दिखता है लोगों को साधना में, तो उनका उनका दृढ़ होता है मनोविश्वास, दृढ़ होता है मनोबल, आत्मबल बढ़ता है उनका। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, यूट्यूब पे ठीक है आप सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन कभी 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 एक महीने में एक बार आप आओ और अपना अनुभव बताओ, गुरुदेव से आने वाले बदलाव बताओ। अगर बदलाव नहीं भी आ रहे तो बताओ कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी धारणा पक्की है, मेरे जीवन में अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ, बीमारी अभी ठीक नहीं हुआ, तो भी मेरी धारणा पक्की है, मैं गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, मैं एक आदमी को बताता हूँ दो दिन में, तीन आदमी को बताता हूँ, चार आदमी को बताता हूँ, ये बात करो। जरूर आपको वर्बल होना चाहिए आके, क्योंकि आप बात करोगे ना तब बाहर आप बात करने सकोगे। अगर गुरु भाइयों में ही नहीं बात होगी तो फिर बाहर कैसे हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। अगर हम 100 लोग हैं, एक महीने के बाद अगर हम 200 भी नहीं होते, तो फिर रोज बैठ के बकबक करने का कोई फायदा नहीं। हमारा ये होना चाहिए कि आज अगर हम 100 हैं तो एक महीने में कम से कम एक महीने में 200 हो जाए, फिर 400 हो जाए, तब जाके तो गुरुदेव का प्रचार प्रसार होगा। नहीं तो वो लेके बैठे रहेंगे, हमारे अपने पास लेके बैठे रहेंगे इस चीज को, संजीवनी मंत्र को, तो सब तक पहुंचना चाहिए। नासरी, हाँ जी, अभी मैं समर्पण के बारे में बता रहा हूँ, काफी लोगों को ये सुनना है समर्पण के बारे में। हाँ जी बताइए, आप बताइए, बात कीजिए गुरु भाई। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके, गुरु मां से प्रार्थना करके कि मैं अपने अंतर भाव प्रकट कर सकूं गुरु की कृपा से, अपनी बुद्धि से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, कि मैं लोगों को समर्पण की परिभाषा को मेरे भीतर में, मेरे अंदर जो मैंने 20 साल तक मेरे के प्रति जो समर्पण रखा, मैं सबके सामने रख रहा हूं, जो बड़ी गहराई से सब लोग सुने। आज का विषय है समर्पण, समर्पण यानी अपना सब कुछ अर्पण कर देना, अपना समर्पण कर देना गुरु के चरणों में, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। यानी जब हमें ये पता चल जाता है कि वह कल्कि अवतार है, वह नारायण है, वो परमात्मा है जो हमारा संचालन करने वाला है, जो हमारी मुक्ति दाता है, जो हमारा अन्न दाता है, जिसने इस धरती पर हमें मानव जीने व जीवन दिया है, उसका ज्ञान होने पर हम इतने दिन तक अपनी बुद्धि से इस माया के आवरण में जी रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये हमारा भ्रम था और इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है, हमें हर एक सांस देने वाला ईश्वर है, जिसके चरणों में हमें अपने आप को समर्पण करना है। इतने दिन तक अपनी बुद्धि से जी रहे थे, इसलिए हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आ रहे थे, कई दुखों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब मैंने अपने आप को ये समझा कि अब मैं अपनी बुद्धि न लगाकर अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दूं, यानी समर्पित कर दूं, अब मेरा जीवन का संचालन वह करेगा, अब मेरा अच्छा और बुरा वह सोचेगा, वही मेरे को समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, वही मुझे मुक्ति का मार्ग देगा, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वही संसार का मालिक है, वही हमारा सम्राट है, वही हमारी राजा है और हम उसकी प्रजा है, वही हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। इस प्रकार के भाव रखने वाला व्यक्ति उस परमात्मा के का बहुत करीबी हो जाता है और उस पर परमात्मा की कृपा बरसती है। देखो, एक समर्पण की परिभाषा में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोग काजलवास में आए और एक चीज को देखा, बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे वहां पे। एक छोटा बंदर का बच्चा, समर्पण की एक परिभाषा बता रहा हूं आपको, अपनी माँ को ऐसे चिपकता है और उसकी माँ कितनी छलांगे मारती है, उसका समर्पण अपनी माँ के प्रति रहता है। वो चाहे कितनी छलांगे मारे, चाहे कितनी उछल कूद करे, इस पैर से इस पैर पर, इस गाड़ी से इस गाड़ी पर, इस मकान से इस मकान पर, बच्चा निडर भाव से अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। उसे विश्वास है कि मेरी माँ मुझे चोट नहीं लगने देगी, मुझे मेरी माँ हर चीज से मुझे बचाएगी, मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी, मुझे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मुझे मेरी माँ की छाती से चिपक कर रहना है। तो उसकी माँ
जब उस माँ को लगता है कि मेरा बच्चा मेरी छाती से चिपका और मेरे पर डिफेंट है, और वह इतना उछल कूद करते भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो आपको भी अपने गुरु के इस प्रकार से लगाव करना है कि चाहे जीवन में कितने भी उतार और चढ़ाव आए, जीवन में कितने भी दुख और सुख आए, उस परमात्मा को उस बंदर के बच्चे की तरह अपने को भी उसका बच्चा बनकर उससे इतना लगाव कर देना है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी दुख आए, कितने भी संकटों से गुजरना पड़े, कैसे भी हालात से गुजरना पड़े, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे वह खरोच भी नहीं आने देगा, वह हर मुसीबत से निकाल देगा, वह हर पल मेरा ध्यान रखेगा, वह चाहे अपने आप को कष्ट दे देगा लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं आने देगा। समर्पण के लिए इससे अच्छा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। समझ में आ रही है आप सबको बात? हाँ जी हाँ जी। समझे कि नहीं समझे? एक बंदर का बच्चा कैसे अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है और उसकी माँ पूरी ताकत से जंप मारती है, इधर से उधर कूदती है, उधर से उधर कूदती है, पता नहीं वो क्या क्या नहीं करती है, लेकिन उसका बच्चा उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि मेरी माँ जो कर रही है वो सही कर रही है मेरे लिए, मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे खरोच नहीं आने देगी। इसी प्रकार आपको अपने गुरु की गुरु से इतना लगाव कर देना है कि आप जो जीवन जी रहे हो, भौतिक जीवन जी रहे हो, जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जितनी परेशानियों से गुजर रहे हो, जितने संकटों से गुजर रहे हो, आपको अपने गुरु से उसी की तरह लगाव करना है जैसे बंदर का एक नादान बच्चा अपनी माँ से बिना बुद्धि लगाए, बिना दिमाग लगाए, बिना ज्ञान, उसको कुछ भी होश नहीं होता है, उसे अपनी माँ पर भरोसा होता है, फेत होता है, और उसकी माँ उसको खरोच तक नहीं आने देती है, वो खुद मर जाएगी, खुद मिट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगी। समर्पण का इतना इससे अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे सकता। और एक बात बताता हूं मैं आपको, सब लोगों को समझनी चाहिए बातें। ऐसा लगाव आप लोगों को हुआ है गुरुदेव से अभी तक? हुआ है क्या ऐसा लगाव? हुआ है क्या इतना भरोसा कर पाए हो क्या आप अपने गुरु पे? मैं सबसे पूछता, कर पाए हो क्या? बिल्कुल, गुरुदेव गुरुदेव पे प्रति मैंने तो यही समझा है कि मेरे लिए तो गुरुदेव ही हैं, अच्छा बुरा जो भी होगा, जो भी मैं ओपन कर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि हाथ सीधे होने चाहिए, तो हमने नाम जब ध्यान करके सीधे समर्पण का विषय आया तो मैंने पूरी रात, देखो मेरी बात सुनो, मैंने मेरा पूरा जीवन परमात्मा के लिए ही सौंप रखा है, मेरा जीना और मरना मेरे गुरु के लिए है। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श बनूं, एक मार्गदर्शक बनूं, और मेरे गुरु को मिशन को महामिशन बनाऊं, मेरे गुरु की क्रांति को महाक्रांति बनाऊं, और मेरे अपने आप को उस आहुति में अपने आप को डाल दूं, उसकी अंतिम आहुति तक मैं अपने आप को डाल दूं। समर्पण की परिभाषा में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि समर्पण कैसे होना चाहिए। तब जाकर जब तक हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, जब तक हम अपना सर्वस्व उसके लिए त्याग नहीं देते, तब तक हमारे ऊपर, मेरी बात सुनो, एक बहुत प्यारे से एक बात सुनो, देखो मैंने कुछ लिखे हैं, मैंने काफी चीजें नोट करी जो मेरे मेरे विचारों में आया, जो मेरे गुरुदेव से मुझे कहने के ऊपर कि गुरुदेव मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं, मैं आपका मैसेज दुनिया को दे रहा हूँ, मैं दुनिया को आपकी तरफ दौड़ रहा हूँ ताकि उनका कल्याण हो, उनका भला हो, ये मेरा समर्पण है, ये मेरा समर्पण है कि मैं अपने खुद के लिए नहीं, मैं पूरी मानवता के लिए परमात्मा तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ गया है कि तूने मुझे धरती पर लाया, क्यों लाया, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मेरा क्या महत्व है, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को एक जानवर की तरह जीकर नहीं, मैं अपने जीवन को मानव कल्याण और मानव के उत्थान के लिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि केवल मात्र तुम्हारा कार्य नहीं है कि धरती पर धर्म की स्थापना करे, तुमने हमने सब बच्चों को जन्म दिया, तुम्हारा पिता परमेश्वर है, और एक बच्चे एक एक पिता का एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो दायित्व होता है वो निभाने के लिए मैं भरकम प्रयास करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें जो लिखी है गंभीरता से, देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनो मेरी बात। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन बड़ा दुखी था और भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल कर बैठा, बहुत गहरी बात कहता हूँ कि ये परमात्मा, ये दुर्योधन इतना दुष्टी और कपटी है, अधर्म के मार्ग में चल रहा है, अन्याय अत्याचार का मार्ग उसने अपना लिया है, और इसके इर्द गिर्द भी सारे ऐसे ही नेगेटिव किस्म के लोग हैं जो इसको नकारात्मकता भरते हैं, लेकिन हे परमात्मा मैं तुझसे इतना अनंत प्यार करता हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा मित्र भी हूँ, मैं तेरा सखा भी हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, लेकिन मैं राजसुख नहीं भोग रहा और दर दर भटक रहा हूँ। ये अत्याचारी दुर्योधन राजसुख भोग रहा है, लेकिन मैं जंगलों में भटक रहा हूँ अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ,
अपने भाइयों के साथ, मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी, ब्रह्मास्त्र रखते हुए भी, संसार के सारे शस्त्र रखते हुए भी, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा धुंधल होते हुए भी, मैं संसार के सारे दुख भोग रहा हूँ परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण हंस दिए, हंस दिए तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि परमात्मा मैं अपने दुख की व्यथा आपके सामने गा रहा हूँ कि पांचाली माँ कुंती और मैं और मेरे भाई धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, धर्म का अन्याय कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी अज्ञातवास, कभी जंगलों में, पता नहीं कितनी समस्या, कितने दुखों से हम लोग जूझ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंस दिए तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा है कि परमात्मा मैं तो अपने दुख का बकायदा आपके सामने कर रहा हूँ और आप हंस रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि दुर्योधन इतना अत्याचारी और पापी और अधर्मी है और रासुख भोग रहा है और मनमानी कर रहा है। मेरे लिए मरता और जीता है उन्हें मैं संसारिक सुखों में नहीं डूबने देता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो मुझे बसता है, जो मुझसे प्यार करता है, मैं उन्हें संसारिक सुखों में नहीं डूबने देता, क्योंकि जैसे ही उसको संसारी सुख घेर देंगे तो वो मुझे भूल जाएगा जिसको मैं प्यार करता हूं। अगर वो संसारिक सुखों में डूब जाएगा तो वो मुझे भूल जाएगा, मेरी ताकत को भूल जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं उस ज्ञान को भूल जाएगा। और फिर क्या हुआ पता है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके सामने द्रोण था, उसका गुरु जो ब्रह्मा का पुत्र था, संसार के सारे शस्त्र थे, उनके सामने भीष्म पिता था जो इच्छा मृत्यु का वरदान रखता था, उनके पास सामने इतने बड़े बड़े योद्धा था, लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। इतने संघर्षों के बाद जो मुझे भसता है, जो मुझे प्यार करता है, वह छोटे छोटे सुखों में उसको डूबने नहीं देता, छोटी छोटी चीजों में उसको डूबने नहीं देता, मैं उसे संसार के इतना महान कार्य करवाता हूं कि वह पूरी दुनिया याद रखती है। तो मेरी बात सुनो, इसे आपको समझना चाहिए कि हम लोग जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, मैसेज आ गया शायद उनका, फोन आ जाता है बीच में तो डिस्कनेक्शन हो जाता है। भगत भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। शायद कोई फोन वगैरह कई बार आ जाता है तो डिस्कनेक्शन हो जाता है, मैसेज आ जाता है। तो वो बहुत अच्छा समर्पण का विषय बता रहे हैं कि मुझे भजने वाला कई बार दुख भोगता है लेकिन संसार से ऊपर उठ जाता है। जो बात मैं कर रहा था गुरु बहन की जो यूएस में रहती हैं, वो भी उनका भी प्रश्न कुछ ऐसा ही था। उन्होंने ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि मैं, मेरे दुख जो है वो गुरुदेव को दिखते हैं, मैं रोती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मेरी तरफ से प्रार्थना करना। तो मैंने कहा उनको सब पता है, सब जानते हैं वो। तो ये जो भगत भाई ने भी बताया है, गुरु बहन आप जरूर ये देखोगे, ये सेशन जरूर देखोगे आप, मुझे उम्मीद है, और आपको पता चलेगा कि आपसे गुरुदेव कितना प्यार करते हैं, और जो भी कष्ट हमें होते हैं वो सारे के सारे वो हमें प्योरीफाई करते हैं, जैसे अग्नि तपाती है और सोने को और प्योर करती है, वैसे ही ये तपस्या है। थोड़ा सा नेगेटिविटी ने परेशान कर दिया, बीच में मुझे रोकने के प्रयास किया है। हाँ जी, देखो एक उदाहरण और देता हूँ। माता कुंती को भगवान कृष्ण ने बोला कि ये माता, ये बुआ, मुझे वरदान मांग, मुझसे वरदान मांग। तो माता कुंती ने कहा कि हे परमात्मा, तू मुझे हर जन्म में दुख देना। क्या कहा? हर जन्म में दुख देना। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि माता तूने ये क्या वरदान मांग लिया, तूने हर जन्म में मुझे दुख क्यों मांगा? तो माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, तू दुख दे, मैं तुझे दुख दूं, तू मुझे दुख देगा तो ही मैं तुझे भजूंगी, तो ही मैं तुझे याद करूंगी, तो ही मैं तेरे महत्व को समझूंगी, और तू मुझे सुख दे देगा तो मैं डूब जाऊंगी, पता नहीं मैं तुझे याद कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
पता नहीं कौन सी माया में उलझ जाके उलझ के फंस जाऊंगी मैं। तो मेरे भाइयों, मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, समर्पण के बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको। देखो, हम लोग रात को सोते हैं, किसके भरोसे सोते हैं? किसके भरोसे सोते हैं? हम तो गुरुदेव के भरोसे सोते हैं, परमात्मा के भरोसे सोते हैं। हाँ। और सूर्य उदय होता है। हाँ। भाई हर व्यक्ति रात को सोता है और अपना हौस खो जाता है। सोने के टाइम में उसको हौस नहीं रहता है, पता नहीं वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन हर व्यक्ति उठता है। तो वो किसके भरोसे सोता है? उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसके विचार काम करना बंद कर देते हैं, वो निंद्रा में रहता है, वो यानी एक तरीके से एक लाश की तरह सोता है। हाँ। लेकिन वो सुबह उठता है। किसके भरोसे उठता है? परमात्मा के भरोसे उठता है। मैंने कुछ लिखा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुनो। अटैचमेंट, लगाव समर्पण का ही एक हिस्सा है अटैचमेंट। किसी के प्रति अपना लगाव, किसी के प्रति अपनी तड़प, किसी के प्रति अपना विश्वास, अटूट विश्वास। मेरे का भगवान श्री कृष्ण से अटूट विश्वास था और उसने जहर पी लिया। समर्पण किसके प्रति था? भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। कृष्ण तो मरी, वो मरी क्या? नहीं। जहां भी समर्पण की कमी आती है वह आदमी घायल हो जाता है, वह कमजोर पड़ जाता है, वह हार जाता है। हाँ जी, अटूट भरोसा था। हाँ जी, देखो भक्त प्रहलाद के बारे में उदाहरण देता हूं मैं। उसका पिता हरणाकश्यप एक राक्षस था। क्या था? राक्षस, राक्षस था। और उसने अपने बेटे को कितनी यातनाएं दी कि वो मुझे भगवान माने, लेकिन उसका समर्पण भगवान के हरि के प्रति था। उसको आग में जलाया गया, उसमें ऊपर से फेंका गया, लेकिन उसके उसको परमात्मा के प्रति समर्पण था। तो उसने कभी बाल बाका नहीं तक बाल बाका तक नहीं होने दिया। संसार में ऐसे कई उदाहरण आपको समर्पण के मिलेंगे कि जो परमात्मा के प्रति समर्पण रखता है, हर हालात, हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर समय, अगर जो अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसका वो बाल बाका नहीं होने देता। बस शर्त यह है कि आपका विश्वास कितना अटल है, कितना कठोर है, आप कितनी निष्ठा से उसको प्रेम करते हो, तो वो आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। ये समर्पण की परिभाषा है। अब भक्त प्रहलाद के इतिहास को देख लो, बालक ध्रुव कितना छोटा सा बच्चा था। बालक ध्रुव के बारे में आपने नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे चेक कर लेना। उसकी माँ दुखी थी, उसका पिता उसकी माँ का अनादर कर रहा था, उसकी माँ ने कृष्ण के बारे में कुछ बताया, वह भक्ति में मोर हो गया परमात्मा के प्रति, वो खींचा गया और छोटी सी उम्र में घोर जंगल में जाके बैठ गया। किसके प्रति समर्पण था? ईश्वर के प्रति। और आज वो ध्रुव तारा के नाम से परमात्मा ने वरदान दिया कि इस संसार में तुम हमेशा ही चमकता रहेगा ध्रुव तारा के नाम से। वो ध्रुव तारा जो है ना, वो बालक ध्रुव का ही स्वरूप है जो भगवान के वरदान से मिला। एक छोटे से बालक ने उस परमात्मा पर वो भरोसा किया और घोर जंगल में छोटा सा बालक क्या, पता नहीं ये क्या मांग लेगा क्या नहीं मांग लेगा, लेकिन उसे इस चीज से कुछ भी लगना नहीं था, उसको अपने परमात्मा के प्रति समर्पण था। चारों तरफ आग लगा दी गई, एक तो भयभीत नहीं हुआ, उसको पता था कि मेरा परमेश्वर पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? आवाज कट गई बीच में। आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो कनेक्ट करते हैं, अभी कनेक्ट करेंगे। भैया बोले कि उनको कुछ परेशान कर रहा है, वो बाद में बात करते हैं, ऐसा बोला।
अच्छा चलो वेट करेंगे, गुरु भाई कनेक्ट करेंगे शायद। फ़ोन वगैरह कई बार उनको बहुत आते जाते रहते हैं, तो शायद कोई फ़ोन बीच में आ रहा होगा। तो समर्पण की वो कुछ एक उदाहरण हमें बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास और धारणा पक्की अगर होगी तभी ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आता है। तो बहुत ज़रूरी है आप गुरुदेव के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो दृढ़ रखो, और उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाई हैं। तो जीवन में अगर दुख आ रहा है या तकलीफ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव देख नहीं रहे हैं या फिर मेरा कुछ। आज मुझे आज ही प्रश्न आया, एक आया था, मैसेज आया था यूट्यूब पे। उन्होंने कहा मैं 2 महीने से नाम जाप कर रही हूँ लेकिन मेरे मेरे गुरुदेव सुनते नहीं, या गुरुदेव तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही, ऐसा कुछ उनका मैसेज था। तो वैसे तो मैं उनको निराश नहीं करता, ये बातें किसी कोई कोई भी जब कहता है कि मैं 2 महीने से या 4 महीने से जाप कर रहा हूँ मुझे परिवर्तन नहीं दिख रहा, मैं निराश तो नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उनको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल गुरुदेव को ध्यान किया है, या जब अजाब लगा 5 साल के बाद मैं एकनिष्ठ नहीं था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं एकनिष्ठ नहीं था 5 साल, और जब एकनिष्ठ हुआ उसके बाद इतनी तीव्र गति से साधना समझ में आती है, बढ़ने लगती है। तो हम कहीं ना कहीं हमारी कहीं कुछ, क्योंकि नई साधना है तो 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या आप जो चाहते हो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। होने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है, गुरुदेव कहते हैं एक एक क्षण की बात है, लेकिन उस क्षण के लिए वो धारणा पक्की होनी चाहिए, वो विश्वास पक्का होना चाहिए, वो समर्पण पक्का होना चाहिए। उसी समर्पण की बातें वो बता रहे हैं कि ध्रुव था, ध्रुव ने 5 साल की उम्र में ही वो पद पा लिया जो ऋषि मुनि कई हजारों साल की तपस्या में नहीं पाते, 5 साल की उम्र में जय उन्होंने पा श्री लिया। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। ज्योति ज्योति बेबे, हाँ जी बेबे। यदि देखो ये तो पुरातन समय की बातें हैं जो भगत ने बोली, या जो भी है ना, हमने समर्पण देखा तो भगत का देखा। मैं खुद को, मतलब मैं जब देखती हूँ ना उसे, भगत को, कि वो कैसा काम कर रहा है, तो हम बड़े, मतलब हमारा तो कहीं ठहरते ही नहीं किसी चीज पर। वो कैसे सभी के लिए भाग दौड़, उसे खाने की कोई चिंता नहीं, और गुरु के प्रति उसका समर्पण देख के वाकई ये लगता है कि इस युग में है ऐसे ऐसे लोग भी जो गुरु के लिए पागल हैं, और जुनून की हद तक उसका समर्पण, जुनून की हद तक है। हमने देखी है ये चीजें अपनी आंखों से, पहले भी देखी थी जब पहले गए थे, तो अब भी वो अपना काम, सब काम का, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, सब काम का छोड़ के बस फिर वह वहीं रहेगा। बेशक वहां 5 बंदे हों या 500 हो, तो वो अपना कोई काम काज नहीं करता, कोई किसी चीज को अटेंड नहीं करेगा, फोन नहीं, कुछ नहीं। हम तो एक छोटा सा हमारा बिजनेस हो तभी हम ये हो जाता है कि कैसे छुट्टी ले, क्या करे। उसके बड़े बड़े बिजनेस हैं तो भी वो फोन नहीं, उसका कुछ नहीं, और वो काम के लिए इतना एक ये होता है कि ये करो वो करो, वो खुद भी लगा ही रहता है कि कुछ ना कुछ, और उसे खाने की कोई चिंता नहीं। खाने के सही, उसका बोल बोल के हम थक जाते हैं, भाई खाना खा लो। मैं उसको याद दिलाना पड़ता है कि भगत खाना खा लिया तूने, तो वो कई बार तो मेरा ख्याल वो 3-3 दिन तक खाना ही नहीं खाया उसने, और वाकई उसका जो देखो घर में नहीं जाना उसने, बच्चे हैं उसके भी, घर परिवार है, तो उसका तो परिवार नजदीक ही है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के बस वही है। 5 दिन उसने वही रहे वही, तो वाकई उसका समर्पण देखने में वाकई वो और तो चलो कितना किया उसने ग्रंथों की हमारे। हाँ बातें हैं ना, वो तो हमने नहीं देखी। अर्जुन अर्जुन को मैंने नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, लेकिन भगत को हमने देखा है, हाँ उसका सही बात है, समर्पण। सही बात है। और भगत भाई देखो, हम लोग जब गए 10 से 15 तारीख के बीच में, फोन आते थे आ जाएंगे माँ माँ गुरु माँ आ जाएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सोच रहे हैं कि माँ आएगी तो हम जाएंगे, ठीक है वो ईश्वर आएगा तो हम जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम है कि हम जा रहे हैं वहाँ, तू उसी दिन आएगी। हमें पता है हमारा समर्पण पक्का है कि मैं जिस दिन जाऊँगा उसी दिन तू आ जाएगी, ऐसा समर्पण बहुत कम है। और भगत भाई वहाँ देखो, उसने इतना कुछ गुरु के लिए किया है लेकिन कभी इस चीज़ का
उसने दिखाया नहीं कि जो आश्रम बना हुआ है काजलवास में, वो भगत भाई ने गुरुदेव को भेंट किया, प्रेम भेंट किया। उसके बाद एक और आश्रम वो बना रहे हैं पास में ही, वो भी गुरुदेव को भेंट कर रहे हैं, जिसकी कीमत बहुत अच्छी खासी कीमत है। फिर भी लोग ने उन पर उल्टी उंगली उठाई कि तुम आ को बुला रहे हैं प्लॉट बेचने के लिए। हालांकि उन्होंने अपनी 3 करोड़ ना 5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो गुरुदेव के नाम वहाँ पर कर दी है, और गुरुदेव के आश्रम के लिए उसको दिया है कि यहाँ पर गुरुदेव का ध्यान होगा या जो भी लोग आना चाहते हैं वो रह सकते हैं। वो जितना वो कर रहा है उल्टा, लेकिन फिर भी उसको लोग उल्टा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, झाड़ू लगाता है वहाँ पर, झाड़ू लगा रहा है वहाँ पर, खाना सर्व कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कुछ साधक तो आते हैं और भगत भाई को कई बार तो नौकर समझ लेते हैं कि वो साफ सफाई करने के लिए वहाँ पर है इतना तक समझ लेते हैं, मतलब इतना साधारण वो वहाँ पर रहता है कि पता नहीं चलता कि वो गुरुदेव के कितना करीब है और गुरुदेव के लिए कितना समर्पण भाव रखता है। तो दूसरे साधक ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो है बंदा, ये यहाँ का सेवादार नहीं है, तो वो वहाँ पर गुरुदेव का शिष्य है जो आपका सिर्फ आओ भगत करना चाहता है, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो वहाँ पर, इसीलिए वो सारा अरेंजमेंट करना करना चाहता है, सब सब अरेंजमेंट करना चाहता है। माँ के अगर दर्शन हमें हुए और हम 5 दिन वहाँ पर रहे हैं, खाना पीना हमारा वहीं पर रहा है और वहीं पर सब कुछ सुविधा थी और वहाँ से आने का हमारा मन नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है भगत सिंह। वो अगर वहाँ था, उसका अरेंजमेंट था, उसका विश्वास था, तो और रात को हमें भगा के ले जा लेके जाना उसका, ओ चलो चलो भागो, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने तो सोचा आज पक्का हम शेर पकड़ेंगे या चीता पकड़ेंगे या कुछ करेंगे, तो मैं कभी भूल नहीं सकता। बेबे को उसने पहाड़ चढ़ा दिया, मेरी वाइफ को अस्थमा है, वो पहाड़ चढ़ गई भाग के रात को 11, रात के 11:30 हुए होंगे शायद उस समय, और वहाँ पर तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 6:30 अंधेरा हो जाता है और पूरा जंगल है वहाँ पर, और वहाँ पर जाना डर लगता है, लेकिन उस दिन हम भाग के ऊपर चढ़े। तो ये सारा उन्हीं का ही है, उनका समर्पण एक हमारे लिए। श्री भाई, हाँ जी भाई, आ गए आप कहाँ थे? मैं कुछ ताम सीता परेशान कर रही है बीच बीच में फोन करके। हाँ, हम आपकी बात कर रहे थे, काजलवास की बात कर रहे थे, चलिए बताइए। देखो मैं आपको समर्पण की एक बात और समझता हूँ। हमारे गांव के पास एक सीरिया देवी माई हुई थी। क्या हुई थी? सिरियारी, सिरिया देवी, सिरिया देवी माई, सिरिया देवी माई, सिरिया देवी माई, जो शक्ति का अवतार थी। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के योगियों की बहुत सेवा करी। वो क्या हुआ था कि वो उसके उसका वो जाति से कुमार थी, कुमार। अच्छा। मटका मटका बना था ना, मटका। हाँ। मटका। कुमार। उसका पति जंगल से लकड़ी लाके गया, हम बेसर गरीब परिस्थिति में थी और वो जाति कुमार थी। एक दिन क्या हुआ कि वो उसने कुछ कच्चे मटकों को आग में डाल के जला के मटकों को पकाना शुरू किया, कच्चे कच्चे मटकों को। अच्छा। थोड़ी देर में एक बिल्ली की आवाज आई उन मटकों के, अपने बच्चों को। वो नाथ जी की भक्त थी, काजलवास के नाथों की भक्त थी, वो भगवान को मार। जैसे उसको हमारे मारवाड़ी में देव नहीं पकड़ना। आप अपना वीडियो बंद कर लो क्योंकि बैंडविड्थ कम है। करो भाई, आप वीडियो बंद कर लो ताकि आवाज साफ आए, आवाज कट रही है, बैंडविड्थ कम है शायद। हाँ जी। तो क्या वो श्री देवी जो माई थी ना, हाँ, वो मटका पकाने का काम करती थी, मटका पकाने का। हाँ हाँ, मटका पकाने का, कच्चे मटकों को बना के आग में डाल के उसको पकाने का काम करती थी। जाति की कुमार थी तो मटके का उनका व्यापार था, तो मिट्टी के मटके बनाकर, कच्चे मटके बनाकर आग में तपा के उसको पक्का बना देती। देव संजोग से उनके वो मटके काफी दिन पड़े रहने की वजह से कच्चे मटके, एक बिल्ली ने उसके मुंह में बच्चे को जन्म दे दिया। क्या दे दिया? बच्चे ने जन्म दे दिया, बिल्ली के बच्चे, 3-4 बच्चों ने जन्म दे दिया। जैसे उसने आग लगाई कुछ दिनों के बाद मटके पकाने के लिए, तो बिल्ली चिल्लाई जोर से, वह काजलवास के नाथ की भक्ति, दुमले धुरन नाथ की वो भक्त थी वो, और भगवान को मानने वाली थी, भगवान में आस्था रखने वाली थी, आस्था रखने वाली थी। जैसे उसको पता लगा यार ये तो गलत हो गया, ये आग लगी अभी इसमें से बाहर निकाल नहीं सकती, आग बहुत बहुत तेज लगती है उसमें आग, तो उसने अपने परमात्मा को आराधना करी, याद किया कि परमात्मा मुझसे ये पाप हो रहा है, मैं तो आपकी भक्त हूँ, मेरे हाथ से कैसे जीव हत्या हो सकती है। उसका समर्पण था ईश्वर के प्रति, विश्वास था,
उसी जंगल में भक्त प्रहलाद भी था। अच्छा। जो ये दृश्य देख रहा था वो घूमते घूमते खेलते खेलते वहां तक आ गया था। ये घटना काजलवास के आसपास की है। अच्छा। यानी मान लो कि भक्त प्रहलाद ने काजलवास के आसपास शिक्षा प्रदान करी है। अच्छा। ये मान लो क्योंकि सीरिया माई का मंदिर वह जगह मेरे काजलवास के पास, मेरे गांव का नाम सीरियरी है, उस सीरिया देवी माई के नाम से है जो जाति की कुमार थी जो मटका बनाने का काम करती। तो जैसे उसने अपने नाथ जी को याद किया, अपने गुरु को याद किया, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मटके पक गए लेकिन बिल्ली के बच्चा एक भी नहीं मरा। अच्छा। अपनी भक्ति, अपने समर्पण और ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखने की वजह से उसने परमात्मा से कहा कि ये मेरे से अन्याय हो जाएगा, तो परमात्मा ने उसकी रक्षा करी उसके दृढ़ समर्पण की वजह से। ये दृश्य पहला देख रहा था भक्त, पहला देख बच्चा था, आसपास करके शिक्षा ले रहा था जंगल में गुरुओं से, वो घूमते घूमते खेलते खेलते वहां आ गया। उसने माई को पूछा कि माई इतनी बड़ी आग में ये बच्चे कैसे बच गए। उसने कहा कि मेरा मेरे ईश्वर के प्रति भरोसा, उसके प्रति मेरा समर्पण, उसके प्रति मेरा त्याग, और मैंने उससे प्रार्थना करी तो परमात्मा ने मुझे जीव हत्या के पाप से मुझे बचाया। क्या बचाया? जीव हत्या के पाप से मुझे बचाया। भले ही आग लगी है लेकिन इन बच्चों को जिंदा निकाल कर परमात्मा ने मेरी भक्ति का प्रमाण दिया है। क्या दिया है? भक्ति का प्रमाण दिया। तो मेरे भाइयों, समर्पण, समर्पण का है कि अपने आप को सशस्त्र। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा था कि ये अर्जुन तेरे सामने जो खड़ी है वो मेरी नारायण सेना भी है, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे नहीं मांगा है, मेरी नारायण सेना को मांगा है। तेरे सामने भीष्म है, तेरा गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, और इधर तुम पांच भाई और मैं हूं, और मैं भी नियता हूं, लेकिन तूने सारे अस्त्र मेरे चरणों में डालकर मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। अब मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं तुझे इस महायुद्ध से विजय प्राप्त कराऊं। तो मेरे भाइयों, मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि दृढ़ विश्वास रखना ही संकल्प है और समर्पण है। क्या है? अपने गुरु के प्रति हर हालात में अटूट विश्वास रखना ही समर्पण है। क्या है? अपने गुरु के प्रति हर हालात में बिना कोई सवाल किए, बिना संकोच रखे, अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके आगे का जीवन कैसा हो, कहां लेके जाना हो, बिना बुद्धि लगाए अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही समर्पण है। समझ रहे हो ना? वहां बुद्धि काम नहीं करती, जहां से तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है, और अपने आप को शून्य करके कि मैं कुछ नहीं हूं, पूरी प्रकृति को तू चला रहा है, और इसका मुझे ज्ञान हो गया है, और अब मैं बुद्धि नहीं लगाऊंगा, और ये मेरा जीवन, मैं जिस भी हालात में हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, देव हूं, दानव हूं, जो भी हूं, मुझे तुम्हारा एहसास हो गया है, और मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, हे परमात्मा, अब मेरे जीवन को किस दिशा में लेके जाना वो तुम्हारा दायित्व है। अब मेरा कोई स्वार्थ, मेरी कोई बुद्धि, मेरा कोई ज्ञान मेरे बीच में आड़े नहीं आएगा, क्योंकि मैं शून्य हो गया। शून्य होना ही समर्पण है। क्या है? सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, शून्य होना ही समर्पण है। आप कह रहे हैं शून्य होना ही समर्पण, बस अपने गुरु के प्रति शून्य होकर सब कुछ अपने गुरु के अधीन करना ही समर्पण है। अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना ही समर्पण है। अपने गुरु को सब कुछ मानना ही समर्पण है। अपने जीवन को गुरु के अधीन करना ही समर्पण है। अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए अपना सर्वस्व गुरु के लिए त्यागना ही समर्पण है, और कुछ भी नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के लिए और भी कोई सवाल हो तो मुझे पूछे, नहीं तो मैं और भी बड़े बड़े तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि समर्पण क्या है। मैंने बालक ध्रुव का उदाहरण दिया, मैंने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया, मैंने मीरा के समर्पण का उदाहरण दिया। मीरा जहर पी गई अपने ईश्वर पर भरोसा करके। रैदास ने
जो जात का चमार है उसने एक 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 कौड़ी देके भेजा ब्राह्मण को कि जाके गंगा को दे देना और गंगा स्वीकार करे तो ही देना नहीं तो वापस लेके आ जाना। वो उसका समर्पण था तो गंगा ने प्रकट होकर उसकी कौड़ी को स्वीकार किया और सोने का कड़ा दिया। वो उसका समर्पण था, उसका विश्वास था कि मैं जिस तरीके से भक्ति कर रहा हूँ जितना मुझे विश्वास है उतना ही मेरे ईश्वर मेरी इज्जत रखेगा। उसका दृढ़ विश्वास था, दृढ़ विश्वास ही समर्पण है, दृढ़ विश्वास ही समर्पण है अपने ईश्वर अपने गुरु और अपने परमात्मा पर और अपने मानने पर मानने वालों के ऊपर। एक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पण करती है, अपने प्रियर से अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के घर पे आती है जहां उसको जानने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन उसकी उसका पति उसके जीवन की सारी चीजों की इच्छाओं की पूर्ति करता है क्योंकि वह समर्पित करती है अपने आप को उस परिवार के लिए, तब जाकर उसका पूरा परिवार उसके उसका ध्यान रखता है। यही समर्पण है, ऐसा ही समर्पण आपको आपके परमात्मा के प्रति देना है तभी जाकर आपका परमात्मा का काम शुरू होगा आपके ऊपर। समझ आई ना बात? जी बिल्कुल सही बात। आप भगत भाई सब सुन रहे हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने भावों को प्रकट करने का, मेरे अनुभवों को प्रकट करने का। मैं अपना ज्ञान नहीं जान रहा, मेरा अनुभव मेरे मेरे गुरु के प्रति मेरी भक्ति, जैसे काजलवास में मेरा समर्पण था मेरे गुरु के प्रति और गुरु माँ के प्रति। माँ ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया लेकिन मेरी भक्ति पर मेरी श्रद्धा पर मुझे भरोसा था कि माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, तो मेरी माँ आई क्योंकि मेरे माँ के प्रति मेरा समर्पण था। अगर मेरा स्वार्थ होता तो वो नहीं आती, नहीं आती, वो कभी नहीं आती। मेरा समर्पण था कि मैं अपने आप को लुटा दूंगा, मैं अपने आप को पिटा दूंगा क्योंकि मुझे आपके अस्तित्व का मुझे एहसास है, आप कौन है मुझे एहसास है। तो जो व्यक्ति अपने भीतर का अहंकार खत्म करके परमात्मा को अंतरात्मा से चाहता है वही उसका समर्पण है। और मेरे समर्पण के पीछे उस माँ को आना पड़ा तो वह मेरा समर्पण था, वो मेरा समर्पण था। उसकी वजह से उसने मेरी मेरी बात को नहीं टाला, मैंने उसको मजबूर कर दिया, मेरे समर्पण ने उसको मजबूर कर दिया। ये बात है, मेरा समर्पण था कि मैं इस धरती पर मेरा गुरु मैं परमात्मा को देखूं, तो मैंने अपने आप को दाव पे लगाया तो स्वयं परमात्मा को मेरा गुरु बनना पड़ा, ये मेरा समर्पण था। तो जितना समर्पण जितना दृढ़ रहता है, जो व्यक्ति जितना दृढ़ रहकर अपने अपने लक्ष्य को भेदने का कोशिश करता है वो उस वही उसका समर्पण है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर व्यक्ति दृढ़ रहकर अपने लक्ष्य को दृढ़ कर दे और उसको पार पाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे, वही समर्पण है, वही समर्पण है। बहुत बढ़िया, ये तो हमने देखा भगत भाई का समर्पण हमने देखा था। और एक घटना भी घटी थी उस समय छोटी सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। माँ को लेने के लिए जब हम गए तो हम 1.5-2 घंटे पहले चले गए थे काजलवास से सिरियारी, डिंगोर चौराहा एक जगह है 3-4 किलोमीटर, तो वहाँ पर हम चले गए थे 2 घंटे पहले। तो माँ का माँ को रिसीव करेंगे तो भगत भाई भी उस समय हमारे साथ थे। तो जब इन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि अभी समय लगेगा आने में, तो हम लोग वापस चले गए काजलवास। तो जब 1 घंटा गुजर गया तो हम लोग फिर 1.5 घंटा गुजर गया तो हम निकल लिए माँ को लेने के लिए कि माँ को वहाँ से रिसीव करके लाएंगे डिंगोर चौराहे से। और भगत भाई किसी काम में उलझ गए काजलवास में और किसी वजह से वो नहीं आ पाए उस तरफ और हम लोग निकल गए आगे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे डिंगोर चौराहे पे, हमने देखा कि माँ की गाड़ी आई और वो सीधी अंदर आ गई, मतलब काजलवास की तरफ डिंगोर चौराहे से घूम गई। तो हम सब पीछे 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 आ गए माँ के, लेकिन हाफ रास्ते पे माँ की गाड़ी रुकी और वापस चली गई। और मेरी गाड़ी पीछे ही थी, मैं गुरु भाई के साथ था, गुरु भाई के साथ था तो पीछे ही था। मैंने सोचा माँ को हम नमस्कार करेंगे, कहेंगे कि माँ चलिए आपका स्वागत करेंगे, तो माँ की गाड़ी हमारे आगे थी, रुक के घूम के पीछे चली गई। तो हम बड़े परेशान हो गए, मैं मुझे पता है उस समय मेरी तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि मैंने कहा माँ आधे रास्ते से वापस चलेगी, अब नहीं आएगी माँ, शायद हमें देख के माँ चलेगी क्योंकि ज़्यादा लोगों के बीच में माँ आती नहीं है। तो नरहरी भाई भागे, उनके पास गाड़ी थी, वो भागे भगत भाई के पास काजलवास में। तो उन्होंने भगत भाई को बताया कि माँ की गाड़ी तो ना चौराहे पे है, ना इधर है, ना बीच में है, कहाँ गई पता नहीं। उस समय उन्होंने मुझे ये कहा नरहरी भाई ने कि भगत भाई के जो एक्सप्रेशन मैंने देखे कि उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, मतलब इतना परेशान उनको देखा और वो भागे नरहरी भाई के साथ। उसके बाद जब वो हमारी गाड़ी को क्रॉस करके गए
तो वापिस आए तो बोले अब चलो वापिस, तो फिर माँ वापिस आई। ये सारी घटना मेरे लिए एक संकेतिक संकेत था कि हम सबके लिए माँ आई है, सबकी भक्ति है, लेकिन उसमें विशेष अगर उस समय भगत भाई नहीं लेने गए तो माँ वहाँ तक नहीं आई, भगत भाई लेने गए तब माँ आई है। यानी कि वो अजमेर से लेकर डिंगोर चौराहे तक आ गई, सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी थे, 2 किलोमीटर वो वहाँ से वापस चली गई क्योंकि भगत नहीं आया, और फिर भगत भाई जब गया है लेने के लिए तब माँ आई है वहाँ पर। ये भगत भाई की भक्ति और सिर्फ भगत भाई के ही कारण संभव हो सका कि हमको हमारे जीवन में माँ के वो दुर्लभ दर्शन हुए। दुर्लभ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नवरात्रि का समय और ओमा अष्टमी का समय, और वो काजलवास में दर्शन, और काजलवास में हमने वो ध्यान जो किया, तो ये जो उस समय वो समय विशेष है, बहुत समय भी उस समय अगर कोई भक्त आपको दर्शन करवा दे भगवान के, सोचो आप किसी स्पेशल दिन पे आप भगवान का आवाहन कर रहे हो और किसी भक्त की वजह से आप सबको दर्शन हो जाते हैं, तो वो भक्त की भक्ति ही है, वो भक्त का समर्पण ही है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि अगर मुझे उस शुभ दिन पे माँ के वो दर्शन, भावी दर्शन हुए, माँ की सेवा करने का मुझे मौका मिला, चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिला, माँ के दर्शन करने का काजलवास में मौका मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगत भाई की भक्ति है। मेरी भक्ति काफी नहीं थी, शायद थोड़ी सी थी, लेकिन एक बात बताता हूँ, दो मिनट पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि समर्पण की बात आपने की है, मेरे सामने ना तो प्रहलाद है, मेरे सामने ऐसा जिनकी भी आपने उदाहरण दी, मेरे सामने मैंने उनको देखा नहीं, इसलिए मैं उनकी हामी नहीं भर सकता, लेकिन ये भक्ति जो, ये समर्पण जो मैंने देखा है और ये भक्ति जो मैंने देखी, इसकी मैं हामी भरता हूँ कि सचमुच में भगवान जो है वो भक्त के कारण ही आता है, भक्त की भक्ति पे आता है, भक्त के समर्पण पे आता है। और एक बात मैं बताता हूँ यहाँ पर कि उस समय भगत भाई की जो हालत थी, मैं इनकी कोई तारीफ, इनकी पर्टिकुलर तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक भगत की बात कर रहा हूँ, मैं समर्पण की बात कर रहा हूँ। ये 5 दिन में पता नहीं इन्होंने कितनी बार प्रार्थना की, काजलवास में जाकर, इधर जाकर, उधर जाकर प्रार्थना ही करते रहे, और जब इनको एक बार लगा कि माँ वापिस चलेगी, आएगी नहीं, एक बार तो हो गया था माँ नहीं आ रही, तो इन्होंने अपनी प्राण दाव पे लगा दिए। हम लोगों को दर्शन हो जाए माँ के, इसलिए इस भगत ने, भगत सिंह ने अपने प्राण दाव पे लगा दिए कि मैं आज, अगर तू नहीं आई, आज अगर तू नहीं आई तो मैं आज अपने प्राण दे दूंगा। ये बात भगत भाई ने कह दी। अब हम में से ऐसा कौन है जो मैं किसी और के दर्शनों के लिए अपने प्राण त्याग दूं कि अगर तू नहीं आई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इन्होंने वो बात करी, और आप विश्वास करो जिस दिन माँ आई थी ना, उस दिन सबसे ज्यादा साधक थे वहां पर। जनरली हम 60-70 के पास रह रहे थे, लेकिन जिस दिन माँ आई है उस दिन कम से कम डबल हो गए थे, 140-150 साधक, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो साधक आए, मुझे तो पता भी नहीं वो साधक भी थे या कोई देवी देवता के रूप में कोई वहां पर आ गया। मैं इस बात की गवाही देता हूं, मैं उनको जानता नहीं, उन साधकों को मैं जानता भी नहीं, पता नहीं वो साधक के रूप में कोई देवी देवता आया क्या। अचानक जिस समय माँ आई उसी समय हमारी संख्या डबल हो गई थी, और फिर वो वापस संख्या वैसी होगी। वो थे कुछ एक साधक थे जिनको मैंने पूछा भी नहीं, हमने रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। वो समय बहुत अद्भुत था, और इससे भी ज़्यादा अद्भुत घटनाएं काजलवास में घटी हैं अगली रात्रि में, वो तो खैर हम आपको जब जैसे जैसे बात बढ़ती रहेगी। वो समय इतना दिव्य थे, वहाँ पे देवी देवता सूक्ष्म रूप में पधारे। मैं तो ये भी मानता हूँ कि माँ के दर्शन के लिए सदैव स्वयं शिव पधारे वहाँ पर, स्वयं शिव वहाँ पर पधारे माँ के दर्शन के लिए, और उन्होंने हामी भी भरी। हालांकि ये लंबी स्टोरी है, कभी ना कभी हमारे सामने आएगी, अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन इन सब के पीछे अगर हमें लाभ हुआ है, अगर हमने समर्पण देखा है, अगर मैंने भक्ति देखी, आज मैं भगत भाई की सारी बात मानने के लिए इसलिए तैयार हूँ, इसलिए उनका अनुसरण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे संकेतिक रूप में माँ ने यह बता दिया था कि मैं जब माँ के पीछे पीछे आ रहा था, माँ को लेके आ रहा था, तो माँ नहीं आई, माँ तब आई जब भगत लेके आया। तो मेरे लिए साफ संकेत है कि मुझे साथ, हमने साथ चलना है, तभी गुरुदेव का मिशन पूर्ण होगा। जैसे तीर का एक नोक एक ही होती है, तीर का हिस्सा तो बहुत बड़ा होता है, तो हम तीर के कहीं ना कहीं कोई हिस्से जरूर हैं जो एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन नोक उसकी एक ही होती है। तो
तो इसीलिए हमने मिलजुल के अब गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना है, बढ़ना है आगे, लेकिन दिशा एक ही होनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद जिस पे है वो भगत भाई है, और मैं पूर्ण रूप से भगत भाई, मैं सबके सामने आज ये भी कहता हूँ कि मैं आपके सदैव साथ हूँ। जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, कुछ खास तो बलवान नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस तरह भी चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, आप जो भी गुरुदेव के लिए करना चाहते हो, जहाँ भी मेरा प्रयोग लगे, जहाँ भी मैं जिस तरह से भी, जो भी मेरे पास है, जिस तरह से भी लग सके, मैं हमेशा सदैव जीवन भर मैं आपके साथ रहूँगा गुरुदेव के प्रचार प्रसार में। ये मैं सबके सामने आज शपथ लेता हूँ कि मैंने ऐसा समर्पण और भक्ति देखी है कि मैं इनके साथ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो राजश्री भाई, मैं तारीफ से खुश होता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा मेरे जीवन में, मैं अकेला ये बात नहीं कर रहा। नारायणी भाई मेरे साथ है। मैं समझ गया, सुनो मेरी बात सुनो। देखो हनुमान ने अपने राम के प्रति समर्पण रखकर अपनी छाती फाड़ी तो कौन निकला? राम सीता। सुना होगा आपने कि जब उसने अपने हाथों से अपनी छाती फाड़ी तो कौन निकला? सियाराम। मेरी छाती फाड़ोगे तो मेरा गुरुदेव और मेरी गुरु माई निकलेगी। हाँ पक्का, ये तो पक्का ही लग रहा, ये तो पक्का है। मैं अपनी छाती फाड़ूंगा ना तो मेरा गुरुदेव और मेरी गुरु माई निकलेगी। अंगद का समर्पण देखो, रावण के सामने पैर लगा दिया, ईश्वर के अपने गुरु के अपने राम के प्रति समर्पण था तो रावण भी नहीं हिला पाया, बड़े बड़े योद्धा भी नहीं हिला पाए। वो था समर्पण। वो सीता का समर्पण अपने पति के प्रति कि धरती माता को आवाज दी और धरती माता ने उसको जगह दे दी, वो सब समर्पण। अपतित्व का समर्पण अपने पति के प्रति। समर्पण के कई उदाहरण संसार में मौजूद है, अगर आप लोग दे पाओगे तो आप भी विजय प्राप्त कर लोगे, आप भी उस परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लोगे। समर्पण इतना आसान नहीं है। त्याग का मार्ग है समर्पण, भक्ति का मार्ग है समर्पण, विश्वास का मार्ग है समर्पण, अटूट विश्वास का मार्ग है समर्पण। मेरे भाइयों, जिसने भी परमात्मा के प्रति अपना समर्पण दे दिया, वो संसार में उसका बाल बांका करने की ताकत इस ब्रह्मांड में, इस संसार में किसी के पास नहीं है। वह लाखों करोड़ों में से तुम्हें निकालकर तुम्हारी जय कर देगा। समर्पण उस भाव से रखना पड़ेगा, उस पर अटूट विश्वास करना पड़ेगा, आंख बंद कर उस पर भरोसा करके उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति ही समर्पण दे सकते हैं। मैंने अपनी परिभाषा में आप लोगों को समर्पण के बारे में बता दिया, बाकी आप जाने और आपकी भक्ति जाने और आपका गुरु जाने और आपका काम जाने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत आनंद आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई, जय श्री गुरुदेव। ये समर्पण के विषय में मैं एक छोटी सी बात रखूंगा, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं, मतलब उसको क्या कहेंगे, सामान्य सी बात रहेगी कि हम सभी गुरु भाइयों के पास गुरुदेव के अलावा कोई ऑप्शन है क्या, कोई विकल्प है? कोई विकल्प, ये बताओ। कोई विकल्प नहीं है तो जब विकल्प ही नहीं है तो हमारा तो गुरुदेव का ही तो काम करना है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब शायद कोई चार ऑप्शन तो है नहीं, या तो मरो नरक में जाओ और संसार के संसार में दुखी हो गए, वैसे मरना तो एक दिन सबको है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है, ये तो फिक्स है। भगवान ने अवतार लिया तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, और फिर अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में घोड़ा कुत्ता बकरा जो भी बनना है तो वो बनना ही पड़ेगा। तो और बचाने वाला एक है, वो हमारे गुरुदेव। तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प एक ही है, और वो गुरुदेव की शरण में जाना। अब हम इस जन्म में गुरुदेव कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम इस जन्म में कितना उनका काम कर सके, कितना उनके प्रिय बन सके, कितना हम उनके लिए कुछ कर सके, हालांकि करने वाले तो वही है, हम करने वाले कोई नहीं है। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो इस विषय पर मैं चाहूंगा कि सब जने एक बार विचार जरूर करना कि गुरुजी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या। चलो यार नहीं करते, गुरुदेव का प्रचार नहीं करते तो फिर क्या करेंगे और फिर हमारी क्या गति होगी, ये एक बार सोचना। उसके बाद कोई रास्ता हो तो हमें भी बताना। इसलिए कोई विकल्प नहीं है, विकल्प एक ही है, एक ही रास्ता है, लक्ष्य एक ही है, और वो पार करवाएंगे गुरुदेव ही। हमारा स्वयं का सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाए। अब गुरुदेव ने इस स्टेज तक लाया है कि आज हम ये समझ पा रहे हैं
कि हमारे पास स्वयं परमेश्वर है सामने खड़े और उनके बिना कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना, बीज उल्टा सीधा भी जमीन पे गिरता है, जैसे भी गिरता है तो वो तो पौधे का रूप धारण कर ही लेता है। तो हम जैसे तैसे करके भी जो जानते हैं, जितना ज्ञान है, जो अपने अपने फील्ड में जितना जानते हैं, जितना नॉलेज है, जितने लोगों से संपर्क है और जो कुछ भी आता है, उस आधार पर अगर हम गुरुदेव का कुछ कार्य करते हैं तो गुरुदेव तो पार कर ही लेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, ये आज हमने समर्पण के विषय में आज काफी अच्छी जानकारी हमें मिली, जो पीछे समर्पण है, जो सामने समर्पण है, हमने देखा। अब मैं कुछ जानकारी ये देना चाहता हूँ। मैंने कुछ एक टी शर्ट पार्सल की थी, मैं आपके नाम बोल दे रहा हूँ, पता नहीं आप सबको मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि ये अवसर नवरात्रि अवसर चल रहा है, बहुत सरकारी छुट्टियाँ रहती हैं कलकत्ता में, अभी भी बंद ही है सिस्टम, सरकारी सिस्टम सारे बंद है। तो मैं नाम आपके बता दे रहा हूँ जिनको मैंने भेज दी है टी शर्ट्स वगैरह, अगर आपको मिल गई है तो मुझे बता दीजिए, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप के पे मिल गई है, अगर नहीं मिली है तो भी आप मुझे बता देना। जब भी मैं जाऊँगा पोस्ट ऑफिस तो मैं एक बार पता कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास वापस भी कोई पार्सल आया नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, और ऑनलाइन मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कत ये है। तो मैं बता दे रहा हूँ मैंने किसको किसको भेजी है, आप देख लो, अगर आपको मिल गई है तो भी मुझे बता देना, नहीं मिली है तो भी। गोविंद तिवारी जी को मैंने भेज दी है, किशोर जी को मैंने भेज दी है, ये किशोर भाई हैं हमारे मानसा के, उनको, और श्याम सोनी जी को मैंने भेजी है। उसके बाद मैंने अमनदीप जी को भेजी है, ये है अपना, कहाँ है ये, लिखते भी ऐसे हैं ना, समझ नहीं आती, टिब्बी जोधपुर शायद, अमनदीप जी के नाम से भेजी है। उसके बाद मैंने सुनील जी को भेजी है, वो तो मिल गई है जहाँ तक मुझे, विनय चोपड़ा इनको मिल गई है शायद, और महेश्वरी जी को मैंने भेज दी है, उनको भी मिल गई है शायद, योगेश श्रीवास्तवा आपको मैंने भेज दी है, योगेश मिल गई शायद आपको कि नहीं, पता नहीं मुझे, मैं भूल गया आपने बताया। भालचंद्रा जी को मैंने भेजी, बच्चों के लिए भेजी थी ये टी शर्ट्स, और पीयूष गोस्वामी उनको भी भेज दी थी, और सतनाम जी को भेज दी, देवेंद्र सिंह जी को मैंने भेजी थी, पलाना में गुरुदेव की छोटी सी प्यारी सी पोती है, पारुल की छोटी बहन, उनके लिए भेजी थी मैंने, देवेंद्र आपको मिल जाए तो आपने ज़रूर दे दी होगी उनको। और उसके बाद कुमार सिंह न्यू दिल्ली किसी को भेजी है मैंने, राम रत्ना कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, और जोधपुर भेजी है मैंने, सुशीला जी को भेजी है, उनको मिल गई शायद। विशाल बफसर मैंने छोटे बच्चे के लिए भेजी थी, इनके बेटे के लिए, नक्श के लिए भेजी थी, इनको शायद मिल, हाँ ये पहन के आया था बच्चा, इसको मिल गई है। तो एक चार, दो चार और होने चाहिए जिनको मैं मिली। अगर किसी को इस नाम से नहीं मिली है टी शर्ट अभी तक, तो आप मुझे मैसेज करें, गोविंद जी को नहीं मिली है इतना मुझे पता है, अगर इस आपको नहीं मिली है तो आप मुझे अपना बोलें, मैं जाऊँगा जब खुल जाएगा पोस्ट ऑफिस, एक बार पता कर लूँगा, ठीक है। हाँ भैया, मुझे मिल गई। गोविंद जी मिल गई आपको? नहीं भैया। अच्छा गोविंद नहीं मिली, मैं चेक करूंगा जाके जब मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। जी भैया, जी भैया, राजश्री भाई। हाँ जी राजश्री भाई। हाँ जी, मैं प्रार्थना के बारे में बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करें। हाँ, प्रार्थना कैसी हो? तो जो जितना जल्दी भगवान से तार जुड़ सके, हम कहाँ अटक रहे हैं और कैसे जल्दी से जल्दी उस परमात्मा से अटैचमेंट कर सके, हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ हमारी बुद्धि बीच में आड़ आ रही है, उसके बारे में मैं कल कोशिश करूंगा, मैं अपने अंतर्भावों से। तो कल प्रार्थना के बारे में बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे हो, प्रार्थना कैसी हो जिससे परमात्मा को हम भरोसा दिला सके कि हम उसके शरण में है और अब उसके बिना हम नहीं जी सकते, वही हमारे जीवन का मकसद है, वही हमारे जीने का ध्येय है, वही जीवन की पूरी कोशिश करूंगा अच्छी हो, ऐसे करे इसे परमात्मा करे और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, कल कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कल प्रार्थना पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आप भी बता सकते हो, अपनी तरफ से इनपुट्स दे सकते हो,
भगत भाई भी कल बोलेंगे, उनका अनुभव बोलेंगे प्रार्थना के ऊपर में, उनके पर्सनल कुछ अनुभव रहे हैं प्रार्थना के ऊपर, मैं कुछ एक जानता हूँ तो आप सबके साथ वो शेयर करेंगे। आप भी अपने अनुभव कल शेयर करना, प्रार्थना विशेष टॉपिक रहेगा कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं। जितना भी मार्गदर्शन हुआ गुरुदेव की कृपा से हुआ ऐसा समझ के, सुबह का ध्यान 6:30 बजे नियमित ध्यान में मिलेंगे। कुछ कुछ कह रहे हो राजवीर आप? राजवीर आप कुछ कह रहे हो? हाँ सर। हाँ जी बोलिए सर। ये जो 24 तारीख करवा चौथ है, कौन सी 24? अक्टूबर के? अक्टूबर कौन सी, नवंबर? ये अभी 24 आएगी जो, हाँ अक्टूबर वाली। हाँ तो मेरी वाइफ पूछ रही थी कि मैं करवा चौथ कर सकती हूँ, तो क्या गुरु भाई से पूछना? हाँ त्योहार तो आप सारे कर सकते हो, गुरुदेव को जरूर याद करके आप जरूर कर सकते हो। गुरुदेव के बिना तो कुछ भी नहीं भाई। हाँ बस गुरुदेव को नमस्कार करके, जितने भी रीति रिवाज हमारे हैं हम उन्हें मना सकते हैं। अपने गुरु का स्मरण करना, सबसे पहले प्रथम गुरु का स्मरण करके सारे रीति रिवाज हमें मना लेने चाहिए। व्रत बहुत करती थी जब से गुरु के शरण में आए हैं, तो तकरीबन हमने उदापन कर दिया यानी छोड़ दिए। तो बोले भाई से पूछ तभी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ठीक अच्छा ठीक है, कल एक बार भगत भाई से भी इस बारे में जान लेंगे। मैं तो, मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो ये कहता हूँ गुरु को याद करके आप सारे त्यौहार आपको मनाने चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमारी जिंदगी से त्यौहार चले ही गए हैं, कुछ भी है तो मनाना त्यौहार चाहिए। तो हम त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन गुरुदेव के साथ ही मनाते हैं। हाँ बस गुरुदेव को प्रथम रख के हम कुछ भी कर सकते हैं आगे, वही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं राजवीर भाई। उनके अलावा हमारी रक्षा कौन कर रहा है, आपकी मेरी, उनके अलावा कौन रक्षा कर रहा है? तो सब वो तो है। जिस दिन से आपकी एक बात मुझे कड़वी लगी थी, लेकिन वो जब सोचता हूँ ना, कड़वी बात होती है ना, बहुत अमृत होता है। हाँ। उस दिन तो मुझे लगा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। हाँ। कैसे क्या होगा, जिस रात को आपसे बात हुई थी याद है ना? हाँ 1:30 बजे बात हुई थी हमारी, 1:30-2:30 बजे शायद। हाँ क्योंकि हाँ। मैं तो उससे पहले 8-10 साल काफी पागल हो चुका था दुनिया में, लोगों ने मुझे सिर्फ मूर्ख ही बनाया। भाई मैं एक रात के झूठे साचे प्रोग्राम किए थे लोगों ने, जो 50-50 हजार रुपए ले कर जाते थे, बोला तेरी वाइफ ठीक हो गई, वो ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक बहुत कुछ मतलब कि खो दिया था, आपको सब कुछ बताया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब से गुरु की शरण में आया हूँ शायद इतना कुछ पा लिया मैंने मन के अंदर जो शायद पहले कभी नहीं मिला था। मैं आपका प्रसारण डेली देखता हूँ लेकिन मैं आता नहीं कभी भी। हाँ तो आया करो ना, क्योंकि लोगों का प्रोत्साहन भी जरूरी है, कभी कभी एक महीने में एटलीस्ट एक बार तो हाजिरी देनी चाहिए, गुरु का ही तो काम है। वाइफ भी दिन में, हम आपका प्रोग्राम दिन में भी देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम मिस नहीं करते, कभी कभार कोई कारण से लेट सेट हो गए तो आगे पीछे देख लेते हैं। और जो कुछ मिला है वो मेरी आत्मा को पता है, इसलिए हर चीज को, वाइफ बोली आज फिर से तू बात कर, मचल करता हूँ। आज गुरुदेव की कृपा से नेटवर्क भी अच्छा है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं। अब समर्पण मेरा हुआ है या नहीं हुआ तो परमात्मा जाने, लेकिन मैंने सुबह शाम खाना तभी खाता हूँ जब मैं एक बार गुरु का नाम ले लेता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ तक कि पूरा परिवार मेरा गुरु के नाम लेता है। और गुरु के आशीर्वाद से हमने पशु वशु रखने भी छोड़ दिए थे क्योंकि सब वेस्ट हो जाता था। अब दिसंबर में गुरु के आशीर्वाद से हम पशु रखने की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे हिसाब से शायद मेरे परिवार में कोई ऐसा रहा है नहीं कि जो कोई बीमार हो, नहीं तो महीने के 10-15 हजार रुपए तो दवाई दवाई में लगाते थे। हाँ, अच्छा। आज एक बात और कहूंगा अगर टाइम हो तो। मेरी वाइफ का मौसी का लड़का है। अच्छा। 18-20 साल के आसपास का। अच्छा। उसको वो बीमारी थी जो दुनिया का कोई भी आदमी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा। तो मैंने उसको उकसाया बहुत उसके, क्योंकि नया लड़का है तो इन चीजों में विश्वास
देरी से किया उसने। अच्छा। तो 3-4 महीने से उसके माँ बाप हैं वो भी खत्म हो गए थे। अच्छा। तो 3-4 महीने से कर रहा है मेरे कहने से, लेकिन वो मेरे से ज्यादा ध्यान रखने लगा है। अच्छा अच्छा। और वो 2-4 वीडियो क्लिक देखी किसी गुरु भाई की, दाएं बाएं छोड़ रखी थी किसी के, जैसे धर्मेंद्र गुरु भाई हैं उनकी वीडियो क्लिक देखी, वो देखने के बाद में और उत्साह हो गया। अच्छा। और वो 5 दिन बाद में ही दवाई छोड़ दी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसने अपने जीवन में वो दवाई खाई थी तो शरीर का वजन बढ़ाने के लिए, जो दवाई बीमारी चल रही है वो तो चल रही थी ऑलरेडी, बहुत कुछ खा के देखा है कि शरीर में वजन बढ़ जाए, प्रोग्रेस हो जाए, बहुत कुछ देख कर भी, या दौड़ भाग, जिम, दूध घी सब खा के देखा उसने कभी, लेकिन उसको प्रोग्रेस नहीं देखा। अच्छा। अब वो सूखी सब्जी रोटी खाता है। हाँ। और 2-2.5 महीने से उसका वजन तकरीबन 1.5-2 किलो वैसे ही बढ़ गया। अच्छा अच्छा। और अब वो जयपुर से दवाई लेने जाएगा कल या परसों, टेस्ट कराएगा, उसके बाद तो अगर गुरुदेव की कृपा रही टेस्ट में नेगेटिव आ गया तो उसके तो वहां पर कम से कम 1,000-1,500 का बैच है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो उसके साथ में 3-4 लड़के जुड़ भी रखे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इनको वो जो जयपुर हॉस्पिटल थी तो उनको वहीं रखते थे पहले, धीरे धीरे वैसे करके बैच में जुड़े हुए हैं 1,000-1,500 एक दूसरे संपर्क में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई कल ने उसकी नेगेटिव आ गई ना। हाँ, हाँ। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। हाँ हाँ, होना चाहिए भाई, होना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। ये तो गुरुदेव से प्रार्थना है कि उस बच्चे का मार्गदर्शन हो और उसके माध्यम से औरों का भी मार्गदर्शन हो। मार्गदर्शन तो उसके साथ बहुत से 5-10 ऐसे हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो यही क्योंकि नए बच्चे सारे। अच्छा। उनकी जिंदगी में ना विश्वास टूट गया कि ये बीमारी जो खत्म हो सकती है क्या। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि भैया तू कर, तेरी जिस दिन बीमारी खत्म होगी उस दिन से हम मतलब अपने आप को समर्पण कर देंगे। हाँ। तो उसने तो मतलब समर्पण कर रखा है। हाँ। तो उसके बाद में अब वो कल या परसों जब भी जाएगा तो मैंने उसको पहले कहा था कि भाई तू ब्लड रिपोर्ट टेस्ट पक्का लेके आना। मुझे तो अपने आप से ज्यादा विश्वास है। हाँ, जरूर हो जाएगा, जरूर ठीक होगा। तो अब तेरा वजन भी वो ही बोला साहब, मैं तो कुछ खाना भी अलग से नहीं खा रहा, सब्जी रोटी जो छाए मिर्ची मिल रही वही खा रहा हूँ। हाँ। ना दवाई दे रहा और पहले से मेरे शरीर में प्रोग्रेस है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गुरुदेव की कृपा से मुझे लग रहा है कि जो हमारी आत्मा है जो उसके लिए दुआ दे रही है शायद उसका वो काम इस बार गुरुदेव कर ही देंगे। तो उसको रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको जरूर उसकी फोटोकॉपी आपको जरूर जरूर उसको भी लाइएगा। हमारे साथ और भी गुरु भाई हैं जिनको ऐसी डिसीज है जो क्योर हुए हैं, तो हम उनसे उनकी बात करवाएंगे। भैया मेरी बात करा दो एक बार। हाँ, आपकी भी करवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से राजवीर जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, अवधेश हमारे साथ हैं, उनको भी था ये HIV की शायद। भैया मेरे तो मैं तो कोई जगह नहीं छोड़ी थी, सबने मना कर दिया था। हाँ। कोई अल्लाह ही लाइफ इसका कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ। मेरे गुरुदेव ने ठीक कर दिया, कमाल है। हाँ जी हाँ जी। मैं तो ठीक क्या कहता हूँ लोगों को, जो देखता है वो कहता है यार कमाल हो गया। मैं कहता हूँ मेरे गुरुदेव की कृपा है केवल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमने देखा है आपको ठीक होते हुए। आपने कहा था मेरे सिर में चींटियां रेंगती हैं, ये होता है तो हम कहते हैं नहीं, जिसमें मैंने दिखाया मेरी आंख नहीं खुल रही है, मैंने दिखाया 3-4 फोटो दे दी आपको। हाँ हाँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी उस समय। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या मेरे गुरुदेव की कृपा हुई, जो देखता है वो कहता है यार वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, सबको कहता हूँ करो। मैं ये मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा, हमने बड़ी कृपा, बिल्कुल 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 गुरुदेव की कृपा है ये तो सबने देखा है मुझे, सबने देखा है मुझे। हाँ, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा है। हाँ, मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है, गुरुदेव के ऊपर विश्वास करो बस। हाँ जी हाँ जी। और हाँ, कुछ मत, बस केवल गुरुदेव पे विश्वास करो। हाँ, आपको आपकी सब कुछ होगा। हाँ जी हाँ। मैंने तो बड़े आपको भैया आपको बता दूं आपको,
मैंने अपने गुरुदेव को अपने आप को समर्पित कर दिया, जब उन्होंने मेरी जान बचाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा है मैंने आपका समर्पण, मैं देखा, मैं जानता हूँ। गोविंद भाई, गोविंद भाई पे बड़ी कृपा है गुरुदेव की। और अभी रिसेंटली भी उनको, उन्होंने ट्रैवल करना था, ट्रैवल से पहले ठीक गुरुदेव ने उनको जो है उनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बता के अभी वो ठीक हैं। तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल गुरुदेव की वाकई वाकई कृपा है। और राजवीर, हाँ राजवीर जी के भाई की भी अभी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, इसकी हमें उम्मीद हम करते हैं। और फिर हम और जोर 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 शोर से उस चीज़ का प्रचार प्रसार और गुरु भाइयों तक पहुँचेंगे और लोगों तक पहुँचेंगे जो इन बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमें गुरुदेव का कार्य करना है और हम जरूर आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव की पूर्णतः समर्पित, पूर्णतः समर्पित होकर हम काम करेंगे और जबरदस्त काम करेंगे। और अभी हमें जी, जी, जी। और भी एक बंदा मिल गया है, भगत भाई भी मिल गया है जो हमारे साथ है और गुरुदेव के साथ रहा है, उसका भी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे, सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात है भैया भगत भाई की हमारे साथ। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है उनका हमारे साथ जुड़ना, गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो गुरु भाई ये कहूंगा, भक्त भाई को देख लेंगे ना, हाँ तो समझ लेना कि गुरु के ही दर्शन जैसे समर्पण हम कर नहीं सकते। हाँ बहुत, और भी बहुत कुछ है। कल वो प्रार्थना के बारे में बताएंगे तो मैं उनको कुछ याद भी दिलाऊंगा, वो जरूर बातें कुछ ऐसी करें। गुरु भाई की बहुत सारी वीडियो सुनी है, उन्होंने पहले भी संसार के लिए कुछ करके दूसरी बार भी संसार के लिए बहुत कुछ करके ही जाएंगे। इसीलिए तो, इसीलिए तो आए हैं गुरुदेव के साथ में। और गुरु भक्त भाई जैसा हम समर्पण, मैं तो कहता हूँ कि शायद मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन उस जैसा बनने की कोशिश हम सभी करें। कोशिश हम सभी कर सकते हैं, कोशिश हम सभी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। कल हम, कल का सेशन प्रार्थना, गुरु से निस्वार्थ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी कृपा का हम पात्र गुरु भाई के, जब भक्त भाई जब आता है ना तो उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी किया करो। मैं कहता हूँ लेकिन वो ज्यादातर आते नहीं, अपना चेहरा दिखाते नहीं। और सिरियारी में जो थोड़ा सा सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ सिरियारी में, तो ठीक है, वो डिंगोर के पास पास में थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब होता है। तो मैं उन्हें कहूँगा थोड़ा सा कैमरा जो है वो थोड़ा सेट करने के लिए, मैं उनको बोलूँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा उनको, ताकि उनकी फोटो भी साफ आए, बिल्कुल साफ दिखे। चलिए आज का प्रोग्राम गुरुदेव का सत्संग हम यहीं पे रखते हैं। कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, नियमित ध्यान में। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, नियमित ध्यान और नाम जाप से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा YouTube पे कुछ जो आपने प्रश्न भेजे हैं, YouTube पे प्रश्न मैं ले लूँगा बाद में। एक आईडी से एक आया था अभी, प्रश्न आया था प्रोग्राम के बारे में, कल हम बात करेंगे 24-25 के बारे में। एक आईडी से मैसेज आया था, गुरुदेव एक आईडी है, आप अपना कल जरूर मैसेज देना। आधी मैं, आधा ही मैंने मैसेज पढ़ा था, आपने डिलीट कर दिया मैसेज, कल आप अपना मैसेज फिर से देखना, हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव। आज आज उमा गुरु बहन का जन्मदिन भी आज। कहाँ है वो, तो पहले बताना चाहिए था ना, अभी बता रहे हो सेशन के बाद में। बातें अच्छी चल रही थी तो मैसेज ही कर देते मुझे। चलो ठीक है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। उमा बहन आपको, आप बदमाशी बहुत ज्यादा करते हो, बदमाशी थोड़ी कम करना। नहीं तो अनिल भाई को बहुत सारे बिल भरने पड़ते हैं, तो बदमाशी थोड़ी कम। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव आप दोनों पे, आपके पूरे परिवार पे बना रहे, यही हमारी शुभकामना है आपके जन्मदिन पे। तो ये उन्हें बता देना अगर वो अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने तो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरु। निशित शर्मा जी, मैं आपका मैसेज कल पढ़ूंगा। गुरुदेव के, गुरुदेव की आईडी से बोल रहे हैं, भैया जी आईज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, रोशनी बहुत कम हो गई है। कल, कल आप जरूर इस प्रश्न को लिखना और जरूर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है।
चलिए आज के लिए तो सेशन सब चले गए हैं, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं सेशन। कल आप जरूर अपना प्रश्न रखिएगा, और कल हो सके तो आप गूगल मीट पे आके ये बात करना, ठीक है? जो भी गुरुदेव की आईडी से आप हैं, आपका नाम तो नहीं आ रहा, कल आप जरूर ज्वाइन करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस समय। चलो आज के लिए आप सबको जय श्री गुरु।